हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। डेली हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, और जो ईपीडब्ल्यू है, मैगजीन है, और पीआईबी का सोर्स है, इन सब से इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करके और ये क्वेश्चंस बना रहे हैं। इनके डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको फॉलो करने है, डेली इनका कंपाइलेशन आपको रखना है। और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो इनको शेयर भी कीजिए। पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है, गूगल प्ले से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और इन कोर्सेज के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, और इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पर जो है वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, चैट सेक्शन अवेलेबल है, पीडीएफ आपको यहाँ इस ग्रुप पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको यहीं पर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, फेडोर न्यूज़ में आया था, और क्या था ये? क्या स्पेस क्राफ्ट था, मून लैंडर था, स्पेस रोबोट था, या क्या था? देखिए, रशिया ने अभी जो है उसकी छुट्टी कर दी है। फेडोर एक स्पेस रोबोट था जो पहले अटैम्प्ट में नहीं पहुँच पाया था, फिर सेकेंड अटैम्प्ट में वो पहुँचा, और उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स काम करते हैं उनकी जगह क्या रोबोट उनको रिप्लेस कर सकता है क्या। लेकिन ये पता लगा कि स्पेस वॉक वगैरह इन सब के अंदर वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो जो है जो एक्सपेक्टेशन जो थी वो फेडोर पूरा नहीं कर पाया, और उन्होंने ये बोल दिया कि इसका कोई काम नहीं है और ये वो रिप्लेस नहीं कर पाया है अभी। तो फेडोर जो था वो स्पेस रोबोट था, तो सी इसका आंसर होगा। और ये रशिया का न्यूज़ था। ये देखिए, यहाँ पर मिशन जो है ओवर हो गया है, फेडोर इन्होंने इसका नाम दिया था, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ये भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी जो प्रोडक्टिव जो यूज़ जो था इसका नहीं हो पाया, और बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ गई थी। इसके लेग्स जो है वो काफ़ी बोला गया कि लंबी है, और ये स्पेस में ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रही है, और 180 सेंटीमीटर ये टॉल है, मतलब 6 फीट के आसपास इसकी हाइट भी है, तो ये जो इशू है वो दिक्कत कर रहा है इसमें, इसलिए इसको ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर को एंड कर दिया गया, इसका जो मिशन है उसको एंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्रायो ड्रैकन बोरियस क्या चीज़ है? क्या ये कोई रिसेंटली फाउंड एम्फीबियन स्पीशीज़ है, क्या ये कोई इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ है, या कोई ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ ऑल टाइम है? देखिए, अभी न्यूज़ मिली है कि आज द हिंदू में आया था लास्ट पेज के ऊपर कि ऑल टाइम्स का अभी तक जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास में अवेलेबल है, जितना हिस्ट्री का, जियोलॉजिकल पास्ट का, हमें पता है कि मीज़ोज़ोइक जो एज था, बीच वाला था, मतलब कि शुरुआत में प्री कैम्ब्रियन टाइम रहा बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, उसके बाद में जब पैलियोजोइक स्टार्ट होता है, पैलियोजोइक इरा, उसके बाद में मीज़ोजोइक इरा स्टार्ट होता है, और उसके बाद में सीनोजोइक इरा भी चल रहा है। तो मीज़ोजोइक के अंदर जो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस नाम की जो तीन पीरियड्स थे उसमें डायनासोर्स रहते थे। उस टाइम पर कुछ फ्लाइंग डायनासोर्स भी लास्ट फेज में आने लग गए थे, तो उनमें ये क्रायोड्रैकन बोरियस जो था वो सबसे बड़ा था। इसका विंग स्पैन 10 मीटर का था, मतलब कि 30-40 फीट का इसका विंग स्पैन था, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ा जो था, जो उड़ पाता था, फ्लाइंग बर्ड था ऑफ ऑल टाइम। तो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा हॉलीवुड में, जो डायनासोर वगैरह के, जुरासिक पार्क वगैरह की मूवी में, तो जो उड़ते थे जो डायनासोर, वैसा ये था। तो ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड था ऑफ ऑल टाइम्स, इसका भी कन्फर्मेशन इन्होंने किया है। इसके जो फॉसिल्स थे वो कई साल पहले मिल चुके थे, लेकिन इसके ऊपर स्टडी चल रही थी। तो अभी ये जो है शायद ये इस तरह का दिखता होगा, ये आर्टिस्टिक इंप्रेशन इसका है, और ये 250 किलो के लगभग इसका वेट होता था, और 10 मीटर का ये विंग स्पैन इसका था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम MIPS, ये क्या हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं, फिर एग्रीकल्चरिस्ट जिनकी कोई जो फसल जो होती है काफ़ी बम्पर क्रॉप होती है, उस टाइम पर उसकी प्राइस गिर जाती है, क्योंकि अगर अधिकता में उसका प्रोडक्शन होता है तो उसकी प्राइस गिर जाती है, तो उस टाइम पर उनको बचाने के लिए क्या, किसानों को उसकी जो कीमत होती है उसको बचाने के लिए क्या मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होती है? तो बिल्कुल सही है, इसमें स्टेट की एडवाइस के आधार पर काम होता है, और CACP नहीं, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाला जो होता है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। CACP जो है ये नहीं करता है। CACP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है MSPs, उसको बस रेकमेंड करता है, डिसाइड भी नहीं करता, रेकमेंड करता है MSPs को CACP। तो ये दूसरा गलत होगा, पहला सही है कि बम्पर क्रॉप हुई या फिर कैसे भी उसकी प्राइस गिरती है, 10% से ऊपर प्रोडक्शन होता है, फिर 10% से नीचे प्राइस गिर जाती है, उस टाइम पर इंटरवेंशन करती है गवर्नमेंट, और वो पैसा जो कम मिलने वाला है किसान को उसको उसकी भरपाई करती है, तो एक तरह से उसका नुकसान नहीं होगा और वो डिवास्टेट नहीं होगा, उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम होती है। तो ओनली वन इसका आंसर होगा, दूसरा इसमें गलत है, CACP नहीं करता है, CACP सिर्फ MSP का रिकमेंडेशन देता है कि भाई इतना होना चाहिए, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है जो स्टेट की रिक्वेस्ट के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर। पेरिशेबल आइटम्स के ऊपर ज़्यादा होती है, जो जल्दी ख़राब होते हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सब जो हो गए, अगर एक्सेस में ये इनका प्रोडक्शन होता है तो फिर ये ख़राब भी हो जाएंगे और फिर इनके प्राइस भी सही नहीं मिल पाएगा, उस टाइम पर बहुत दिक्कत हो जाती है किसानों को। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है।
ये स्कीम है MIS और 50-50 बेसिस के ऊपर लॉसेज जो हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बेयर करती हैं इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एडहॉक स्कीम होती है क्योंकि परमानेंट नहीं होती है, चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ये है नेक्स्ट है ये CACP के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही ये आता है, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट AITIGA बहुत फेमस न्यूज़ में रहा, कई बार आता है। IT का जो है वो गुड्स अरेंज एक अग्रीमेंट है, किसके रिगार्डिंग है वो, इंडिया और किसके बीच में है, नेपाल के बीच में, म्यांमार के बीच में, इंडिया EU के बीच में, या इंडिया आसियान के बीच में। देखिए आसियान होगा इसका आंसर, आसियान के 10 देश जो हैं, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात है, RCEP के इश्यूज चल रहे हैं, उसके डिस्कशन चल रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन चला है वो गुड्स का अग्रीमेंट के रिगार्डिंग हुआ है कि उसका रिव्यू किया जाएगा दोबारा से, क्योंकि वो स्टक हो गया है RCEP का, आगे कुछ काम नहीं हो पा रहा है उसका, जो फ्यूचर कैसा होगा उसके रिगार्डिंग आगे कुछ गाड़ी बढ़ नहीं पा रही है। तो वो देश जो बाकी हैं आसियान वाले वो कह रहे हैं कि भाई हमें आगे जाने दो, अगर आप नहीं इसमें क्लियर हो पा रहे हैं तो फिर इसको बाद में आप या तो कंटिन्यू करना, लेकिन इसमें अभी रिव्यू करने की बात हुई है। तो IT का जो है वो आसियान और इंडिया के बीच में है, गुड्स अग्रीमेंट है और इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रिव्यू चल रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। जनवरी 2010 में ही ये फोर्स में आ गया था और आसियान बहुत बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर भी रहा है, अभी US है लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है, ये आसियान एक बार ऊपर चला गया था उससे, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट फॉल आर्मी वर्म जो है उसका बहुत न्यूज़ में आया है, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कुछ महीने पहले, तो क्या ये डेंजरस ब्लड सकिंग वर्म है ह्यूमंस के लिए, और क्या ये पहली बार दुनिया में कर्नाटका में मिला था, और यह क्या एंडेमिक है इंडिया में ही? तो देखिए दोनों गलत हैं। फॉल आर्मी वर्म एक वर्म है जो कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, मेनली मेज की जो मक्का की जो क्रॉप होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है, और वैसे नेटिव तो ये अमेरिकास का है लेकिन ये मिला था अफ्रीका में, और इंडिया में पहला कर्नाटका में मिला था, तो ये दूसरा जो है वो गलत होगा, एंडेमिक नहीं इंडिया के अंदर, ये एंडेमिक जो है यहाँ नहीं है और ये वहाँ का है, नेटिव अमेरिकास का, अफ्रीका में मिला था और इंडिया में कर्नाटका में मिला, तो ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ये ह्यूमंस का ब्लड सक नहीं करता है, ये नुकसान पहुंचाता है फसलों को, और ये इतना भयंकर और इतना फास्ट तरीके से नुकसान पहुंचाता है कि डिवास्टेट हो गए हैं किसान बहुत सारे एरियाज के अंदर, और पूरी फसलें जो हैं पूरे को ही बहुत जल्दी जल्दी खा गए हैं, बहुत स्पीड से खाता है, तो दोनों गलत है। इसमें डी नन इसका आंसर होगा, फॉल आर्मी वर्म ये जो इसका स्टेज है लार्वा वाला, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिवोर करता है, मतलब खाता है खाना, तो ये बहुत डेंजरस तरीके से नुकसान पहुंचाता है और पूरा का पूरा डिवास्टेशन कर देता है ट्रॉपिकल, तो ये डिटेल है। नेक्स्ट ये देखिए पॉलीफेगस है, ये कुछ भी खा लेता है, मतलब कि ये मान लीजिए अधिकतर जो क्रॉप्स होती है मेन जो उगाते हैं उन सबको ये खाता है, इसका जो कैटरपिलर लार्वा जो स्टेज होती है कैटरपिलर इसको बोलते हैं वो, और मेनली मेज की फसल को नुकसान पहुंचाता है, और मेज से लेकर शुगर केन लगभग 80 डिफरेंट क्रॉप्स को ये खा सकता है, तो एक साथ मल्टीपल क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, फिर कोई पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर भी ये फीड कर सकता है, ये बड़ा इशू है। और देखिए एक और बहुत गजब की बात ये है कि ये एक ही रात में कई कई किलोमीटर जो है वो उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है, इसलिए ये बहुत ही फास्ट तरीके से और फैल रहा है, तो ये बिहार के एरियाज में मिला था और बहुत बड़ी चिंताजनक एक स्थिति खड़ी हो गई है, और मेज की फसल जो है वर्स्ट अफेक्टेड इससे होती है, ठीक है। मेज जो इंडिया के थर्ड नंबर की इंपॉर्टेंट क्रॉप है गेहूं और चावल के बाद में। नेक्स्ट सरदार सरोवर डैम, क्या ये बिगेस्ट डैम है कंक्रीट यूज के हिसाब से? देखिए बिगेस्ट नहीं, सेकंड बिगेस्ट है कंक्रीट यूज, जिसमें इसमें जितना हुआ है तो वो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम बनाता है, ग्रेविटी डैम ये है, और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट IBRD जो उसका आर्म है वो इसका फंडिंग कर रहा है, और ये गलत है और ये भी गलत है क्योंकि सेकंड बिगेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड जो इसमें हुआ है, तो डी नाइन इसका आंसर होगा, दोनों ही इसमें गलत है। अभी इशू आया था कि जो यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको बाहर निकालना पड़ा है क्योंकि उसकी उसके अंदर फ्लडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, उसकी हाइट बढ़ा दी गई थी 2017 में, उसका 138.98 मीटर तक ले जाया गया था उसकी हाइट जो है, काफ़ी ऊपर चली गई, इससे क्या है कि आसपास के बहुत सारे गांव और एरिया जो है पानी में डूब गए हैं, और यही सबसे बड़ा उसका रीज़न है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, बहुत सारे इशूज़ हुए थे, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इशू नर्मदा का चला है जहाँ पर सरदार सरोवर डैम है। तो ये देखिए इसमें तीन स्टेटों में इसकी बिजली जाएगी, जो इसमें बिजली बनेगी 1450 मेगावाट, 57% मध्य प्रदेश, 27% महाराष्ट्र, 16% गुजरात, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो 1961 में ही जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो है नींव रखा था, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आज के जो है अलग तरीके से चल रही है और इसका क्रेडिट जो है बहुत जगह घूम चुका है, लेकिन ये 1961 में स्टार्ट हो गया था,
ठीक है, बहुत सारे फिर ये आंदोलन चले, उनको भी फिर तवज्जो मिली, आंदोलनों को भी, और फिर इसका काम रुका भी, लेकिन फिर अभी दोबारा स्टार्ट किया गया और अभी चल रहा है, और अभी ये सब जो प्रॉब्लम्स वो सामने आ रही है। नेक्स्ट है ड्राउट, ड्राउट्स जो है सूखा जो पड़ता है वो क्या 42% इंडिया के लैंड को अफेक्ट करता है, और एक्सेप्शनली ड्राई प्लेन क्या एडिशनल 6% है। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। अभी जो COP14 चल रही है CUNCCD का, उसके अंदर ये सारी बातें हो रही है, रिपोर्ट रिलीज हुई है ड्राउट मैनेजमेंट पॉलिसी कमीशन की, वो सजेस्ट कर रही है कि बनाना चाहिए, 10 पॉइंट एजेंडा उन्होंने दिया है। उसमें पहला जो पॉइंट है वो यही है कि ड्राउट मैनेजमेंट पॉलिसी कमीशन एक होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं इंडिया में, और उसके लिए प्रिपेयरनेस हमारी बहुत कमजोर है। तो ये दूसरा सही है, पहला भी सही है, दोनों इसमें सही है ऑप्शन जो है, तो सी इसका आंसर होगा। और ये देखिए ये बिल्कुल सही है कि 42% जो है इंडिया का लैंड जो ड्राउट अफेक्टेड है, और मैंने ये भी कल आपको बताया था कि लगभग 30% जो है वो डिग्रेडेड है इंडिया में लैंड। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग हैं, सिमिलर से लगते हैं। और 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो चल रही है, इंडिया में चल रही है, और पूरी दुनिया के जो डेलीगेट्स इसमें आए हुए हैं, UNCCD का जो चल रहा है, और ये है डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो वो चल रहा है। ये 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है, और ये पॉलिसी कमीशन का पहला सजेशन इसमें है, बाकी सारी वही जो इश्यूज हैं, कॉमन इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं उसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट, बेजल बैन अमेंडमेंट 1995 में ये हुआ था, ये किसके रिगार्डिंग था? अभी देखिए ये लागू हो गया है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है रेटिफिकेशन की वो पूरी हुई है और ये लागू हो गया है। किसके रिगार्डिंग था? ये बैंकिंग स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग था। देखिए वो बेजल नॉर्म्स हैं, बेजल कन्वेंशन अलग है, ये स्पीशीज कंजर्वेशन के रिगार्डिंग भी नहीं है, और एंडेंजर्ड प्लांट्स के ट्रेड के रिगार्डिंग भी नहीं है। ये है हैजर्डस वेस्ट जो होता है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है, उसके रिगार्डिंग ये बैन था। तो बेजल कन्वेंशन जो था उसी ने अडॉप्ट किया था 1995 में, और क्रोएशिया ने अभी जो है इसमें रेटिफाई कर दिया है, 97th कंट्री वो है, और September 6, 2019 से ये रेटिफाई करने के बाद में December 5 से जो है और वो लागू हो जाएगा, एंटर कर जाएगा फोर्स में आने के, मतलब ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो 97 कंट्रीज जो हैं वो जब इसको कर देंगी तब 90 डेज के बाद में ये एनफोर्स हो जाएगा, ये इसका कंडीशन था, और वो पूरा हो गया है, इसलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत सारी बातें प्लास्टिक के रिगार्डिंग चल रही हैं, लेकिन ये हैजर्डस वेस्ट के रिगार्डिंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेजल कन्वेंशन जो है उसी की पार्टीज ने अडॉप्ट किया था। तो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, एंड इट वॉज अ मिस्टेक।